morning friends, welcome back to my channel. I hope you people are fit, fine and healthy. तो आज है वीक थ्री का लास्ट डे, डे सेवन. और आज का ये ब्लॉग फुल डे ईटिंग ब्लॉग है, क्योंकि कल मैंने ब्रेकफास्ट शेयर किया था. तो आज मैं जैसे लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर शेयर करूँगी मेरे साथ. जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैं 1500 कैलोरीज ले रही हूँ, तो उसी में मुझे एडजस्ट करना होता है पूरा दिन का मील. तो मैं 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स ले रही हूँ. ये हो गया 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स. और अभी मैं फिर से टेल बटन प्रेस करूंगी, क्योंकि मुझे माइनस करना है. तो फिर आप कोई भी दूध ले सकते हो, जैसे मैं दूध है 150, तो मैं 150 ml दूध लूंगी. गाइस, मेरा 150 ml मैंने दूध डाल दिया है. अभी 33 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन है, ये मेरा लास्ट डब्बा है. मैं मसल ब्लेज का यूज करती हूँ, तो वनीला फ्लेवर जो मैंने आपको पहले भी बताया था. गाइज, ये वन स्कूप मैं मेजर कर लूंगी, फिर भी 33 ग्राम्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है वन स्कूप. और थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे इसमें 28 ग्राम्स में, और थोड़ा एग्जैक्टली ऐसे मेजर करके डालना है. अगर आपके डाइट में मेजरिंग है, अगर वन स्कूप है तो आप वन स्कूप लोगे, और अगर आपके इसमें मेजरमेंट्स है तो आप मेजरमेंट्स के हिसाब से डालोगे. तो जैसे मेरे इसमें 33 है, तो मैंने 33 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन लिए. गाइज, आप कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हो. ये मेरा बन गया, एक सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं. ये देखिए, मिल्क हो गया, वे प्रोटीन एंड ओट्स. अभी मैं इसको शेक भी बना सकती हूँ इसका, पर मुझे ऐसे ही खाना पसंद है. तो जैसे मेरे डाइट में फ्रूट्स नहीं है अभी, अगर फ्रूट्स होता तो मैं इसमें मैंगो या स्ट्रॉबेरी कुछ भी डालती इसके साथ. और एक चीज़, आप मिल्क को रिप्लेस कर सकते हो दही के साथ, कर्ड. इसको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया, हल्का सा, आप 1 मिनट के लिए कर सकते हो. अच्छा लगता, ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि वे प्रोटीन है, फिर लम्स आ जाता है उसमें. ट्राई करके देखो, काफ़ी टेस्टी, डिलीश. गाइज, जैसे मेरा फुल डे मील मैं बता रही हूँ आप लोगों को आज के ब्लॉग में, तो एज ए इवनिंग स्नैक्स मेरा अलग से कुछ नहीं है. तो मैं 150 ml मिल्क है, तो 150 ml मिल्क का मैं टी ले लेती हूँ. आप कॉफ़ी भी ले सकते हो, अगर आपके डाइट प्लान में मिल्क है तो आप मिल्क से कॉफ़ी, टी आप ले सकते हो. या अगर आपको मिल्क नहीं लेना है, मे बी आपको कुछ और लेना है, तो आप मिल्क को रिप्लेस कर सकते हो कर्ड के साथ, दही के साथ. तो गाइस, अभी मैं टी ले रही हूँ, 150 ml मिल्क मैंने यूज़ किया उसमें. तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूँगी साइड में, कि 150 ml मिल्क की कैलोरीज कितनी होती है. यहाँ पे मैं मेरा डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ. ये आप देख सकते हो, 35 ग्राम्स ऑफ राइस लिया मैंने, ये 35 ग्राम्स ऑफ दाल है, कोई भी दाल ले सकते हो आप.
और ये मैंने लिया 200 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली, 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस चिकन है ये, और ये 10 ml ऑफ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, और थोड़ा सा गार्लिक, और मसाला मैं बहुत ही लाइट रखूँगी, ये आप देख सकते हो। आप 35 ग्राम्स ऑफ राइस को रिप्लेस कर सकते हो 35 ग्राम्स ऑफ आटा के साथ। चपाती अगर आपको खाना, चपाती भी बना सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल्स में दिखा रही हूँ क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं उनको हेल्प होगा कि कैसे लेना है। तो सारे मेजरमेंट्स किए हुए मैंने, मेजरमेंट, ये मेरा डिनर है, ये देखिए आप 35 ग्राम्स ऑफ राइस हो गया, और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्रोकली एंड चिकन विथ 10 ग्राम्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ये दाल है, ये ओनली मैंने बॉयल किया नमक डाल के, और ये सैलेड हो गया। तो गाइस मैं डिनर एंजॉय करती हूँ, अभी जो आप लोगों को दिखाया मैंने, आप लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने ब्रोकली लिया तो आप कॉलीफ्लावर ले सकते हो, या स्पिनेच ले सकते हो, मेथी ले सकते हो आपके हिसाब से, और सैलड में जो आपको पसंद है। पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने 200 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली मैंने मेरे मील में मैंने ले लिया, अभी थोड़ा सा ही मैंने कुकुम्बर यूज़ किया, और 20 ग्राम्स ऑफ अनियंस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।